दी, ये कमरा या कबाड़ खाना? आना, कम से कम हम दोनों तो साथ में हैं ना? तू चिंता मत कर, हम साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अब इस बल्ब को संभाल के दिखा। मन करता है इस बल्ब को ना फोड़ दूँ मैं। भाई क्या हुआ? मॉम को पोता देने का वादा पूरा कर पाओगे ना? पता नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी। जैकेट दे। ये मेरे बस का नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ही बुलवाना पड़ेगा।
उसे नहीं देखा है ना, पर देखते ही पहचान लूंगी कि वो आ गया है। तुम तनुदी बल्ब ठीक हुआ? अब मैं ठीक कर देता हूं। भाई भाई भाई, क्या हो गया? कहाँ खोए हुए हो? हाँ, इतनी सारियों को बेचैन करके कहाँ चले गए थे आप? भूल गए? हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि सब भूल गया यार। ऐसा क्या याद आ गया? हाँ, क्या आप सब कुछ भूल गए? क्यों भाई? पता नहीं। असल में चोट तो आपके पैर में लगी थी ना, ये दिमाग में क्यों असर हो रहा है? हाँ हाँ, नहीं यार, हो सकता है क्योंकि हम सबको बताएं कि आपका दिमाग कहाँ पर है ना? दी, पहले तो चांद को देख के मुस्कुराती थी, इस बर्न में क्या है? इतना मत घूर, फूट जाएगा। क्या देख रही है? अब कुछ कुछ नहीं, मुझे पता है। क्या? इस कमरे से किसी को जाते हुए, अंधेरा बहुत था, उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन लड़का बताना कौन था? पता कौन था? यहाँ क्यों आया था? पता नहीं। तू मुझसे कुछ तो छुपा रही है, बोलना कौन? मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता दे कि यहाँ हुआ क्या था। मुझसे बल्ब ठीक हुआ नहीं, वो आया, उसने बल्ब ठीक कर लिया और मेरा हाथ पकड़। क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और तुमने पकड़ने दिया?
तो फाइनली तेरे सर से ऋषि का भूत उतर ही गया। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? पहले तो तू किसी लड़के को देखने को तक तैयार नहीं थी। कौन था बोलना, बोलना कौन था? इलेक्ट्रिशियन होगा? पता नहीं। तो प्लम्बर होगा? पता नहीं। तो फिर जरूर चाची ने उसे कमरा साफ करने के लिए भेजा होगा। काम वाला होगा। काम वाला? नहीं काम वाला तो नहीं था, पढ़ा लिखा लग रहा था। ओहो पढ़ा लिखा, अब तो मिलना पड़ेगा इस पढ़े लिखे से जिसे देख के तू ऋषि को तक भूल गई। पर मुझे तो लगा जैसे वो ही मेरा ऋषि है। अब पूरा दिन उसी के बारे में सोचने वाली है? मुझसे ज्यादा तो तू उसके बारे में सोच रही है। मैं सोच रही हूँ? हाँ तू ही सोच रही है उसके बारे में। ऐसा क्यों लगा जैसे मैं पहले मिल चुका हूँ उसे? उसे छू कर लगा जैसे मेरी कोई अपनी हो। जैसे भाई इंडिया में आके बहुत करण नहीं लग रहा है आपको? क्यों तू नहीं समझेगा? भाई तू समझाओ ना मुझे, मैं भी तो भाई भाई लड़की देखो तो हाय मायसेल्फ मन मन पे मायसेल्फ निशि देखते ही प्यार हो गया। प्यार का मतलब जानती? मतलब? मतलब क्या प्यार कभी महसूस किया है? महसूस मतलब? मतलब पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगे कि पूरी जिंदगी बदल गई हो। मतलब उसे तुम सदियों से जानती हो। कोई ऐसा इंसान जिसकी खुशी के लिए उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये वाला प्यार नहीं है, तुम नहीं समझोगी। बड़ा अजीब है ये लड़का, कुछ देर पहले लड़कियों से फ्लर्टिंग और वैसे भी इस दुनिया में ऐसा प्यार नहीं होता। होता है, प्यार होता है। तो चले कॉफी पे, वहाँ समझा देना। I'm sorry, पर आज की मेरी डेट फिक्स्ड है। किसके साथ? तुम नहीं जानती उसे। कैरे डैम। Me too. भाई, ये हो क्या रहा है? कौन सी लड़की जिसने आपका सारा करंट ले लिया? उसे देखकर लगा जैसे मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रहा था यार। भाई मुझे मिलना है, मिलवाओगे ना? अरे छोटू पहले मैं तो मिल लूं। हाँ तो मिलो ना, जाके जाओ, go ahead. मैं इस रोके को नहीं मानती और मेरे बेटे यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, आज ही रात को। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं ऋषि को शादी के लिए नहीं मना पाया तो मैं उसका बाप नहीं। मैंने उसे पहले ही मना लिया है, देख लेना वो तनु को ना ही बोलेगा। नानू जी, आप ऋषि और तनु के रिश्ते से खुश नहीं है? देख पानी, तू तो जानती है ना मैंने पहले ही बोला था अमेरिका जाने से पहले कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। पर रानू जी देख, अगर ये तेरी बेटियां होती ना तो भी मैं एक बार सोच लेती। तो वीर जी मना कर देते ना। वो माने या ना माने लेकिन मैं अपने बेटे की शादी इंडिया में नहीं होने दूंगी। हम लोग आज रात को ही अमेरिका जा रहे हैं, वो तो तनु से मिलेगा भी नहीं। मिलूंगा तो क्या बोलो, क्यों मिलने आया? कह दूंगा पहली नजर प्यार हो गया। इस अंधेरे कमरे में पूरे दिन क्या करती होगी ये? तुम कौन हो? अंदर किस लिए आए हो? नॉक क्यों नहीं कर गए? क्या चाहिए? किस लिए? क्या तुम इलेक्ट्रिशियन हो? बल्ब ठीक करना है? मैं सुबह ठीक कर दी। ओके बाय, मैं चलता हूँ। दी तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी, तुम वही हो ना? मेरे बारे में? हाँ
वो मेरी दी है, अपने दिल की सारी बात मुझे बता सकती। उसने बताया कि मुझे लगता है वो तुम्हें, शायद तुम उसे पसंद आ गए। मतलब वो भी मेरे बारे में सोचती है? अनबिलीवेबल। वैसे अगर तुम ली को कुछ बताना चाहते हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं उसे बता दूंगी। ठीक हो? अपनी दी से कहना कि उसमें एक चमक है, जैसे जैसे उस चांद। नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया, जैसे जैसे इस बल्ब में। तो वो भी नहीं समझोगी। शिट, बाय। अच्छा सुनो, क्या बोल के गया? दी को बल्ब बोला या बल्ब को चांद? ओए ओए सुन, ये जो तू बाहर मटक कर आ रही है ना, घर में मटका फूट गया है। क्या फूट गया? अरे तेरी किस्मत फूट गई है। ये जो नाराज बुढ़ा है ना, ये तनु के नाम पर ऐसे उछलता था जैसे कि बारिश में मेढक उछलता है, लेकिन अब कुछ हो गया। उसकी बीवी रारो, उसने तो तेरा रिश्ता ऋषि के साथ करने से मना कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। आपको याद है एक बार आपने मुझसे क्या कहा था? क्या? कि गांव में आपके पीछे कितने लड़के लट्टू थे। हाँ कहा था। तो मैं तो फिर भी शहर की, सोचो मेरे पीछे कितने लट्टू होंगे। मॉम यू नो व्हाट, मुझे बहुत अच्छे से आता है कि लड़के को कैसे बताते हैं। अच्छा अच्छा, बेटी तो आप ही की हो ना। लगता है मुझे ही ढूंढ रहा है। उठाती हूँ। जो देखा वो अच्छा लगा ना? जो मैंने देखा उसे देख किस लड़के को अच्छा नहीं लगेगा। एक बार शादी हो जाने दो, फिर रोज देखने को मिलेगा। शादी के बाद? इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। इसे क्या हो गया? मैं तो तनु की बात कर रहा था। पापा
पाजी वो मैं ऋषि बेटा चल मैंने ना बैग पैक कर लिया पर मॉम एक बात बता मैंने उससे मिला ऋषि पता है मैंने ना तेरे लिए वो ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार बुक करा दी ऋषि कैसी माँ है बेटे को स्पोर्ट्स कार की रिश्वत दे रही है यहाँ से फरार होने के लिए ना स्पोर्ट्स कार तो क्या मैं एरोप्लेन की भी रिश्वत दे सकती हूँ पुत्र तू एक स्पोर्ट्स कार के लिए अपनी किस्मत से खेल जाएगा बेटा तन तेरी किस्मत में लिखी तनो तेरी माँ तेरी किस्मत नहीं बदल सकती मेरी बात मान शादी के लिए हाँ कर दे बोल हाँ तो इनकी बातों में आकर के उस घटिया देहात लड़के से शादी करेगा हाँ मॉम मैं शादी करूंगा पुत्र मुझे पता था एक बार तनु से मिल लेगा ना तो मना कर ही नहीं सकता आज ना तूने मेरा अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया थैंक यू तू ना ऋषि को उसकी किस्मत से जुदा नहीं कर सकती वही जादू दिखाया होगा जो आपने डैडी को दिखाया होगा जवानी में अरे वाह बेटा जी वाह तनु की तो तूने किस्मत उड़ा ली और बानी तूने तनु और आहना को स्टोर में क्यों क्यों अरे अगर उसे पता चल गया कि राज भाई साहब आए हैं और उसकी ऋषि की शादी अपने नेहा से हो रही है तो क्या होगा ध्यान से सुनिए देखिए वो दोनों लड़कियां अपने माँ बाप के मरने के गम में डूबी हुई हैं और बेचारी जब तक उस गम से बाहर निकल कर आएंगी तब तक तो मेरी लाडो कुड़िया अमेरिकन बहू बन चुकी होगी उसके बाद हम जायदाद के पेपर्स पे साइन करवा लेंगे और पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे और फिर मैं उन दोनों को लात मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद का प्लान तो ये है कि मैं उन दोनों सड़ी हुई लड़कियों को अपने अमेरिकन जवाई के आसपास भी फटकने नहीं दूंगी मैं बानी हूँ मैं बानी हाँ अरे मेरी चाची क्या बानी क्या बात है मॉम फिर क्या बोला मॉम ने मॉम ने कुछ नहीं बोला जो बोला डैड ने बोला इसका मतलब आप ये हल्दी और हल्दी मेहंदी वाला रोमांस करोगे यार बट आई एम श्योर भाई शादी तो आप करने वाले हो नहीं जिन बातों का भी माना नहीं उन पर यकीन से होने लगा है तनु कहती थी कि ये चांद हमें हमेशा देखते रहता है चाहे हम एक दूसरे को ना देखें ये चांद है जो हमें बता देगा कि वो आई है ऋषि भाई क्या हो गया आपको कहाँ गए हो कुछ नहीं छोटे कुछ नहीं पर ये बात तो सच है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने हो ना तो फिर चाहे सात समुद्र का फासला क्यों ना वो मिल ही जाए।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.